हेलो जी, की हाल चाल सारे नू, सत श्री अकाल। होप करता हूँ जी आप सारे सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज कोई खास दिन तो है नहीं, बट स्टिल यार थोड़ा मन था कि कहीं राइड पे चलते हैं, क्योंकि ट्यूसडे और मैं घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मन नहीं लग रहा था 1% भी यार क्या करूँ क्या ना करूँ। तो सोचा यार थोड़ा सा राइड मार के आता हूँ। तो वैसे तो यार गोप्रो के ना मेरे पास तीन बैटरी है एक्स्ट्रा, मैं दो बैटरी हूँ, दोनों डेड पड़ी थी, मेरे को ध्यान दिया नहीं, वो मैंने अभी चार्जिंग पे लगाई है। बट एक बैटरी है, जितना व्लॉग हो पाएगा उतना करेंगे। बट अभी घर से निकलते हैं, टी लैंड साइड ही जाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली, तो टी लैंड चलते हैं, वहीं बैठेंगे थोड़ी देर, क्योंकि आयुष और अंकित दास दोनों ही बिजी है, एक मैं ही फ्री आदमी हूँ आज के लिए। टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा निकलते हैं टी लैंड के लिए। सो भाई लोगों, अभी तक तो बाइक वार्म अप कर रहे थे, तो फाइनली बाइक वार्म अप हो चुकी है, तो घर से निकला जाए। अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी अभी टाइम हो चुका है 2:15। सो बाबा जी मेहर करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और जैसे अच्छे भले घर से जा रहे हैं वैसे ही आ जाएं वापस। तो भाई लोगों, एक बार यहाँ से जा रहा हूँ मैं सीधा धर्मेंद्र भैया के पास, क्योंकि करण मोटोमार्ट से यार एक कुरियर आया था मेरे पास, तो उसमें धर्मेंद्र भैया की केयरिंग भी थे, तो वो मुझे उनको देने हैं। काफ़ी दिनों से वो भैया कह भी रहे थे भाई केयरिंग दे दे, केयरिंग दे दे, तो आज उनको भाई केयरिंग दे देते हैं। और भाई एक मेरा भाई है लखनऊ से, आलोक, आपने सभी ने देखा होगा उसकी काफ़ी स्टोरीज वगैरह मैं अपलोड करता हूँ। भाई वो ना पता नहीं क्यों मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये पता नहीं मेरी बाइक से ज़्यादा प्यार करता है, मुझे नहीं पता, बट इससे यार वो बंदा बहुत अच्छा है। और वो काफ़ी टाइम से मुझे बुला रहा है कि भैया प्लीज़ लखनऊ आ जाओ, लखनऊ आ जाओ। तो आलोक भाई ज़्यादा टाइम दूर नहीं यार, बस थोड़ा सा वेट करो, जल्दी से जल्दी आने का ट्राई करूँगा आपके पास, क्योंकि मेरा खुद भी मन कर रहा है कि भाई आप लोगों से मिलूँ, मेरा भी मन करता है यार आप लोगों के साथ रहूँ। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं यार आलोक भाई, जल्दी से मिलेंगे आपसे एज सून एज पॉसिबल। अरे भाई ज़रा देख के चलो, आगे भी तो पीछे भी, दाएं भी और बाएं भी। सो भाई लोगों, मैंने धर्मेंद्र भैया को कॉल तो नहीं किया, वो कहां पर है और कहां पर नहीं है, बट यार मैं बाहर के बाहर आ गया, तो उनके घर पर ही देखे चलते हैं उनका सामान जो है। सो फाइनली अपने वही रूट पे आ चुके हैं, जयपुर आगरा हाईवे। थोड़ा अंकल जी साइड दे दो। ओ भाई ये हाईवे जैसे ना, मेरे को कोई हाईवे लगता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ठीक है थोड़ा ख़राब हो रखा है, बट यू नो सेफ है यार, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सेफ है, बट फिर भी यार अपने हिसाब से चलो। ये भी हमें अपना संपूर्ण मजा देती है भाई, इसमें कोई दोराय नहीं है। और ये अपना आ चुका भाई टी लैंड राइट हैंड पर, और हमें यहाँ की पीनी है चाय, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही है क्रैविंग्स। और ये लो जी हम आ गए। फाइनली हियर इज अ टी लैंड स्पेशलिटी, और ये रहा अपना सामने टी लैंड। सो फाइनली भाई लोगों, चाय की जो इच्छा थी वो पूरी हो चुकी है, और अभी यहाँ से निकला जाए। और घर से यार फ़ोन भी आ चुका है, कुछ काम है छोटे मोटे, पहले वो निपटाते हैं, तो यहाँ से निकला जाए पहले घर की तरफ। घर के काम करना बहुत ज़रूरी होता है भाई लोगों, घर है तो यार सब कुछ है यार, काम वगैरह जरूरी होता है, काम वगैरह सब करना। और फिर उसके बाद मेरे को एक्चुअली शॉप पर भी जाना है, वहाँ भी कुछ काम है मेरे को, तो यहाँ से पहले निकला जाए घर पर। और ये आ चुकी है अपनी भाई पंडित जी की शॉप। हाय पंडित जी, यार आज पता नहीं मैं क्यों अपनी बेबी के ऊपर कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, और मुझे आज पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है इसको चलाने में, तो मैं भाई रिस्क ले नहीं रहा हूँ ज़्यादा, मैं सीधा इसको घर जाके टाइम से खड़े कर देता हूँ, क्योंकि मेरी बेबी को भी बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र लग जाती है।
भाई, अरे 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 ब्रेकर आ गया, अरे ब्रेकर आ गया। भाई लोगों आज मैं लेके चलता हूँ आपको मार्केट से, थोड़ा सा रिएक्शन नोट करना क्या भूसा को रिएक्शन मिलते हैं, लेट्स सी। और भाई लोगों यहाँ से स्टार्ट होने वाला है मार्केट, और इसके बाद जो रिएक्शन मिलने वाले हैं वो मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, बट होप करता हूँ रिएक्शंस अच्छे ही मिलेंगे। और भाई यहाँ पुलिस वालों से चलान कटवा रहे हैं दुनिया, क्योंकि हेलमेट पहन के भाई यहाँ बहुत कम लोग चलते हैं यार, जबकि हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। ये भाई बच्चे के रिएक्शन लेते हुए, ये भाई अंकित की शॉप आ चुकी है। और अंकित बाहर ही खड़ा हुआ था भाई, देख रहा था हाँ कहाँ जा रहे हो, बस दो मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर पे एक मैं पहुँचूंगा ये कॉल कर देगा, हाँ जी कहाँ घूम के आ रहे हो। एंड आई वाज लाइक भाई बस छोटा सा व्लॉग बना के आ रहा हूँ। आज अंकित के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है भाई, बहुत ज़्यादा वाला। कल भाई हमने लेग एक्सरसाइज कर ली थी एक्चुअली जिम में, तो अंकित का तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया था यार, कि मतलब वो कह रहा भैया यार बैठ रहा हूँ तो बैठा ही रह जाता हूँ, उठ रहा हूँ तो उठा ही रह जाता हूँ, मतलब तुमने क्या करवा दिया ये पैरों का। अब मैंने इसको बोला मैंने भाई थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी अपना, अगर बॉडी सही करनी है तो। भाई लोगों ये व्लॉग ज़रा लंबा बनने वाला है नहीं, ये बहुत छोटा सा व्लॉग बनेगा, बट स्टिल यार थोड़ा सा बस भाई को प्यार दिखाओ यार, आप अपने भाई को प्यार नहीं दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ आप अपने भाई को थोड़ा प्यार दिखाएं। ये अंकल कहाँ से आ गए भाई, से हो जाएंगे हम राइट। और ये भैया जी देखते हुए, वेरी गुड भैया जी, देखते रहो ऐसे हमारा व्लॉग अच्छे से बन ही जाएगा आप लोग देखोगे तो। और ये अपन निकलते हुए साइड से फ्लाई बाय देते हुए, ये जब भाई उड़ती है ना दिल सा चले जाता है मेरे तो उसके ऊपर। तो भाई लोगों घर पहुंच चुके हैं यार, सीरियसली इतनी भारी बाइक को चलाना मार्केट में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और भाई हेलमेट लगा के देख रहे हो बालों का क्या हाल हो गया है, क्या हाल हो गया है इंसान का। तो भाई लोगों आज का व्लॉग कैसा लगा, और मुझे तो ज़्यादा खास नहीं लगा, बट आप लोगों का कैसा लगा प्लीज़ मेरे को ज़रूर से बताना, क्योंकि आज अनप्लैंड राइड थी और कुछ भी सोच समझा नहीं था, बस मन किया गया राइड करनी है, और GoPro में बैटरी भी कम थी तो थोड़ा मैं जो रास्ते की जो व्लॉगिंग है वो मैं बहुत कम कर पाया। एंड भाई लोगों आपको कैसा लगा प्यार देना प्लीज़ यार, मतलब मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और अभी मेरे को घर के काम करने हैं, उसके बाद मेरे को जाना है शॉप पर, वहाँ भी छोटे मोटे काम निपटाने हैं, और बाइक चला के होगी मेरी हालत फुस, क्योंकि मार्केट में यार रश बहुत ज़्यादा होता है, रश तो क्या नहीं था बट ज़्यादा, बट इतनी हैवी बाइक को बैलेंस करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो अभी मैं चल रहे हैं भाई लोगों काम करते हैं छोटा मोटा ऊपर घर पर, मम्मी से बात करता हूँ क्या काम है क्या नहीं है, अगर नहीं किया ना भाई क्लास लगने वाली है, बहुत भयंकर वाली क्लास लग जाएगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पहले चलते हैं ऊपर घर के काम निपटाते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे शॉप पर, शॉप के भी काम निपटाने हैं, तो इस व्लॉग को करना पड़ेगा हमको यहीं पर एंड। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है आप लोगों को बताए ना, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और जो भी मेरे इस चैनल पर नया है तो भाई लोगों प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आपसे चाहता हूँ इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।